सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, अभी सावित्रीबाई फुले जयंती यानी माता सावित्रीबाई फुले जयंती पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी यादव जो अपने उद्बोधन में बोल रहे थे, आप भी ये वीडियो सुनो बहुत ही जबरदस्त शानदार तरीके से। फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली, हमारी माता सावित्रीबाई फूले जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कही, उनके बात को दोहराया, षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत, जीव की कीमत लगा दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार षड्यंत्रकारियों से, खबरदार, एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, जवाब देगा। शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब अपना आहूति नहीं देगा, आहूति लेना जानता है। इसलिए खबरदार षड्यंत्रकारियों, अगर तुमने जुर्रत की तो याद रखना, बहुजनों के 90% लोगों के पसीने से तुम इतना 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 बड़ा समुद्र खड़ा होगा कि 7 समुद्र पार नजर आओगे और 24 में ही नजर आओगे। डॉक्टर अम्बेडकर, संपूर्ण एकलव्य, महात्मा फूले, फातिमा से माता सावित्रीबाई फूले, पेरियार डॉक्टर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जननायक कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल, यूसुफ मेहर अली, ललित सिंह यादव के संतानों और सामाजिक न्याय और समाजवाद के धुरी कट्टर अधिक नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के सेनानियों, इसे माती सभा के आयोजन में जहां एक तरफ दकियानुषी और नफरतवादी विचारों से देश को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में हमारे प्रिय भाई अनुज और इस ऐतिहासिक सभा के अध्यक्ष स्थानीय विधायक लोकप्रिय नेता फतेह बहादुर सिंह जी को बधाई देता हूं, साधुवाद करता हूं कि इस ठंड के मौसम में हजारों के संख्या में अभी भी लोग बैठे हैं। मुझे पक्का विश्वास है, यहाँ से संदेश लेकर जाता हूँ कि अगर परिवर्तन के इतिहास में बिहार ने अमित भूमिका निभाई है तो आगे आने वाले 24 के परिवर्तन में देहरी और रोहतास का इतिहास भी याद किया जाएगा। मित्रों, फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली, हमारी माता सावित्रीबाई फूले जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कही, उनके बात को दोहराया, षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत, जीव की कीमत लगा दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार षड्यंत्रकारियों से, खबरदार, एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, जवाब देगा। शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब अपना आहूति नहीं देगा, आहूति लेना जानता है। इसलिए खबरदार षड्यंत्रकारियों, अगर तुमने जुर्रत की तो याद रखना, बहुजनों के 90% लोगों के पसीने से तुम इतना 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 बड़ा समुद्र खड़ा होगा कि 7 समुद्र पार नजर आओगे और 24 में ही नजर आओगे। लक्ष्मण जी, आपने आहूति दी, आपने सेक्रीफाइस किया, याद रखिएगा, बिहार की परिवर्तनकारी धरती देश में रोशनी देने का काम करती है। आप बिहार में आए हैं, मुझे पक्का विश्वास है, हमारे जो ऐतिहासिक महान पुरखों के महान संतान हैं, आपका इज्जत करेगा। कुनबों में बटे हुए लोग, बिरादरियों में बटे हुए लोग बाबा साहब अम्बेडकर से सीख कर जाएंगे। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम शिक्षित भी हुए,
मगर संगठित नहीं हो पाए तो संघर्ष कैसे करोगे भाई। इसलिए आपके आहुति से, आपके सेक्रीफाइस से हमारे आलोक भाई ने कहा, आलोक भाई ने कहा 900 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, आप 90 लोगों जगो, इसकी जरूरत है। अगर आप नहीं जगेंगे, वो कोरी है, वो जादव है, वो धुनिया है, वो ननिया है, वो पटेल है, वो कुर्मी है, वो शर्मा है, वो रैदास है, वो पासवान है। षडयंत्रकारियों ने, मनुवादियों ने जातियां बनाई इसलिए है कि आपका मेल ना होगा और उसका खेल जारी रहेगा। इसलिए उसके खेल को अगर खत्म करना है तो आपको संगठित होना पड़ेगा। इसलिए कुनबे में बटे हुए लोगों, अगर बाबा साहब अंबेडकर को, माता सावित्री बाई फूले को याद करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको यह मानना पड़ेगा कि हमको संगठित होना पड़ेगा। और जब आप संगठित हो जाएंगे तो कोई मायका लाल समाजवाद का, बहुजनवाद का बाल बांका नहीं कर सकता। हम क्या कहें आपसे, सब लोग सब बात कह दिए, मेरे लिए कुछ है नहीं, मगर एक चीज कहना चाहता हूं और अपनी बात समाप्त करूंगा। उससे पहले जो आप अभी भी हजारों लोग हैं, एक सबूत लेके आया हूं कि खेल कहां से शुरू होता। मेरे हाथ में एक किताब, हमारे महान पुरखा एकलव्य का अंगूठा काटा गया, याद करिएगा, एकलव्य का अंगूठा जिनने काटा उसका सबूत ये किताब है। किताब लेकर इसलिए चलता हूँ लक्ष्मण जी, किताब लेकर इसलिए चलता हूँ कि लोगों को विश्वास हो कि हमारे साथ प्रपंच क्या हो रहा है। प्रपंच क्या है, इस किताब का नाम है परसूट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि इस मीटिंग में ये जो हमारे उत्तर प्रदेश के भाई राकेश जी आए थे, बुलबुल सिंह यादव जी को आपने सुना, राजकिशोर यादव जी को सुना, श्री श्रीनिवास जी को सुना, शांति देवी जी को सुना, सीमा यादव जी को सुना, राखी रावण जी तो कमाल कर गई, मोहम्मद मकसूद भाई, मोहम्मद नूर साहब, रामलखन सिंह यादव कॉलेज के प्रिय अनु जनार्दन सिंह यादव जी, हरेराम सिंह यादव जी, बंदेलाल सिंह जी, सुनील शर्मा जी, भैया राम भारती जी, धनंजय महाराज जी, प्रोफेसर रामचंद्र जी, प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, प्रोफेसर श्री श्रीनिवास सिंह जी। एक दो बात कहना चाहता हूँ किताब के मुतल्लिक, फिर आप लोग अपने जगह जाएंगे। इस किताब का नाम है परसूट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इस किताब को कौन लिखा है देखिए, इस किताब को लिखने वाले लोग हैं AP दुराई साहब, इसका फोटो है इस आवरण पर। ये पुलिस डिपार्टमेंट में कर्नाटक सरकार के DG बनकर के रिटायर किए और IPS थे। लालू प्रसाद यादव जी को जो षड्यंत्रकारियों ने फंसाया चारा घोटाला मामले में, पुलिस के साइड से जांच करने वाले ये प्रमुख जांचकर्ता थे। प्रमुख जांचकर्ता के रूप में इन्होंने जो इस किताब में लिखा है, इसका 26वां अध्याय है, उसके 230, 231, 232 पेज में क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूँ, फिर दो चार मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा। ध्यान से सुनिएगा, लालू यादव जिसने चारा घोटाला जो विगत 7 साल से चल रहा था, 9 साल से चल रहा था, 1993 के मध्य में जब लालू यादव जी को मालूम हुआ, किसी ने कहा कि देवघर में या झारखंड के इलाके में चारा घोटाला हुआ है, तो लालू यादव मुख्यमंत्री के रूप में स्वयं दिन भर में 3-3 बार फोन करके SP को, चूंकि SP साहब लोग मिले हुए थे घोटालेबाजों से, 3-3 बार फोन करके मुकदमा करवाया, प्राथमिकवादी बने, सूचक बने, लालू प्रसाद ही चारा घोटाला के मामले को विजिलेंस को दिए, लालू यादव ही चारा घोटाला मामले में जांच CBI को दिए, और जो 7 साल से पहले से लौट रहा था वो
चूंकि ऊंची बिरादरी के थे, नाम आया है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी का, अब नहीं है, नाम नहीं लेना चाहिए, जब विचार आएगा तो नाम तो आएगा ना। जहाँ डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी को उसी मुकदमे में बड़ी कर दिया गया, बेल दे दिया गया, लालू जी के ऊपर आज भी खतरा लटक रहा है, एक पांव जेल में ही है। इसके बारे में ये किताब में क्या लिखे हैं एपी दुबे साहब, सो मैं पढ़ देता हूँ। चारा घोटाला के मुख्य जांच अधिकारी रहे एपी दुरई ने अपनी आत्मकथा के अध्याय 26 का टाइटल दिया है द सीबीआई वर्सेस लालू प्रसाद यादव। इस सेक्शन के पेज संख्या 230, 231, 232 में लिखा है कि सीबीआई ने अपने द्वारा दायर 49 मुकदमों में से 60 में लालू प्रसाद यादव को मुजरिम बनाया है। उन्होंने लिखा है कि लालू प्रसाद यादव एवं कुछ आईएएस को फंसाने का गंभीर षड्यंत्र किया गया है। देश की न्यायिक व्यवस्था में ऐसा होना ठीक नहीं है। उन्होंने अपराध लालू प्रसाद यादव को बिना मुजरिम सिद्ध हुए ही खुद ही उन्हें अपराधी घोषित कर दिया। दोषी साबित होने और लालू यादव के जेल जाने से इस पुस्तक को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जांच अधिकारी रहे पी दुरई ने किताब में आगे लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, मैं समझता हूँ लालू प्रसाद यादव का हीर पिछड़ा होना उन्हें अपराधी घोषित करने के लिए काफ़ी था। सीबीआई द्वारा लालू को क्रश करने की योजना को मूर्त रूप दिया गया, क्योंकि लालू इस देश की हजारों वर्ष पुरानी सनातन और जड़ हो चुकी व्यवस्था को चुनौती दे दिए थे। लालू ने राम रथ रोक दिया था, लालू ने आरक्षण के लिए पुरजोर जोर लगा दिया था, लालू ने मंडल कमीशन को लागू करवाने के लिए अपनी पूरी ताकत पूंजी ढोक झोंक डाली थी, लालू ने राम जेठमलानी को मंडल कमीशन के केस का वकील हायर कर सुप्रीम कोर्ट में से लेकर लड़ाई लड़ने का कार्य किया, लालू जी ने बिहार में सुतों को जीवंता दी, दीमित दमित पीड़ित लोग अब लालू के कारण बोलने लगे। यदि लालू यादव को साजिश के तहत जेल में फंसाया गया है तो ये सवाल उठता है, मतलब क्यों फंसाया गया, चूंकि लालू यादव ने आरक्षण के लिए पुरजोर जोर लगा दिया था, लालू ने रामरथ रोका था तो लालू यादव जेल जाएंगे, इसलिए कि संप्रदायवाद नफरतवाद भागो। लक्ष्मण यादव की नौकरी क्यों खत्म हो जाती है, चूंकि वो गरीबों का आवाज बनने का कोशिश किए, मानवीय सिद्धांत और इंसानियत के सिद्धांत को लागू करने के लिए देश भर में अलख जगाने का काम लक्ष्मण यादव जी किए। फतेह बहादुर जी के गर्दन की जीव की कीमत लग गई, हमारे जीव की कीमत 10 करोड़ लग गई। आप समझिए जिन विचारों ने जिन ताकतों ने एकलव्य हमारे महान पुरखा एकलव्य का अंगूठा काटा, जिन विचारों ने हमारे इतिहास पुरुष बिहार के लेलिन शहीद जगदेव प्रसाद जी का कत्ल किया, जो विचार वही विचार लालू प्रसाद यादव जी को जेल भेजता है, वही विचार फतेह बहादुर के गर्दन की कीमत लगाता है, वही विचार चंद्रशेखर के जीव की कीमत 10 करोड़ लगाता है, वही विचार भाई लक्ष्मण जी को नौकरी से भगाता है। इसलिए आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप देखिए तनिक लोगों ने क्या किया, हम नौकरी बांट रहे हैं, एक साल के अंदर अंदर बिहार लगभग 5 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को नौकरी दिया है, मगर जिनको साले साल 2-2 करोड़ देना था अभी तक कम से कम 10 साल पूरा होने वाला है 20 करोड़ नौकरी होती तो वो क्या दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, लाल किला बेच दिया, स्कूल को बेचने की तैयारी 1920 में ही कर लिया, शिक्षा आपके पहुंच से दूर हो जाएगी, नई शिक्षा नीति ऐसी बनी है, हम नौकरियां दे रहे हैं और वो गांव-गांव में अक्षत पहुंचा रहा है। क्या अक्षत आपके बेटा को चपरासी से कलेक्टर तक बनाएगा, कि स्कूल आपके बेटा को कलम किताब आपके बेटा को चपरासी से कलेक्टर तक बनाएगा, क्या अक्षत आपके बेटा को सिपाही से एसपी तक बनाएगा, निश्चित रूप से कलम दबात किताब और स्कूल ही आपके बेटा को सिपाही से एसपी तक बनाएगा। तो पढ़ाई लिखाई करना है अगर एक संदेश है, और पढ़ाई लिखाई ही आदमी के जीवन का, परिवार का, समाज का,
और देश राज के अंधकार को दूर कर सकता है। इसलिए इस दुनिया के महान चिंतक मार्टिन किंग लूथर ने कहा कि सियासत जहां धार्मिक मसलों को शांत किया जाता है समझो वो देश महान होता है, और सियासत जहां धार्मिक मसले पैदा करते हैं समझो उसको गलत लोग चला रहे हैं। इसलिए हे देहरी ऑनसोन के वासियों, महान पुरुषों के महान संतानों, अंत में आपसे कहना चाहता हूं कि अक्षत बेचने वालों से बचिए, मंदिर के नाम पर व्यवसाय करने वालों से बचिए, और अपने बच्चों के हाथ में कलम किताब देने का सपना पूरा करिए बाबा साहब अम्बेडकर का। बाबा साहब ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। हमारे बापू बहुजन नायक गाडगे साहब ने कहा कि चाहे पढ़ने के लिए थाली बेचना पड़े तो बेच लो, मगर हाथ में रोटी खाना पड़े तो खाओ, मगर पढ़ो जरूर। हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद ने यह कहा कि पढ़ोगे नहीं तो षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र को समझोगे नहीं। समाजवाद की बुनियाद खड़ा करने वाले कौन कौन लोग थे जिनको देश की चिंता थी, कौन लोग थे? 1934 में कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पटा पार्टी बनाने वाले कौन कौन लोग थे? आचार्य नरेंद्र देव जी, आचार्य जे बी कृपलानी साहब, यूसुफ मेहर अली साहब, डॉक्टर लोहिया साहब, जयप्रकाश नारायण जी, और बाद के दिनों में मधुली में जनेश्वर मिश्र। क्यों भाई? चूंकि उनको चिंता थी कि 100 में 90 लोग जब तक ताकतवर नहीं होगा तब तक चीन की चौधराहट और अमेरिका की दादागिरी का हम बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर भारत को ताकतवर बनाना है तो जब तक 90 लोग ताकतवर नहीं होगा, हजारों साल से जिसने लूटा है 10% लोग, उसको ताकतवर बना करके हम देश को ताकतवर नहीं बना सकते हैं। इसलिए आपको यह कहते हुए कि आप बहुत अच्छे अच्छे वक्ता को सुन करके गए हैं, निश्चित तौर पर आप उस पर अमल करेंगे और बटेंगे नहीं, संकल्प लेके जाएंगे। जो भी लोग इंडिया गठबंधन का टिकट लेके आएगा, जो भी लोग महागठबंधन के साथ खड़ा रहेगा, इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा मिलेगा, वैसे उम्मीदवार को जाति जाति में नहीं बटिएगा, एक तरफा उसको वोट दीजिएगा, तब दुशासन जाएगा और अनुशासन आएगा, समाजवाद आएगा और नफरत भागेगा, संप्रदायवाद भागेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अभी से आप सभी का अभिवादन करते हुए जय भीम, जय भारत।